आज हम मौजूद हैं श्याक घाट में और यहाँ हमारी मुलाकात कांग्रेस नेता धर्मेश शुक्ला जी से हुई। आइए इनसे भी जानते हैं कमांडो अरुण गौतम के विषय में और उनके किए गए समाज सेवा के विषय में। जैसा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कमांडो अरुण गौतम को देशद्रोही बताकर रसूखा की कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया, ये कितनी जायज या नाजायज है? देखिए, क्या है कि समाज सेवा में जब इंसान उतरता है तो उसकी निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष से और प्रशासन से बिना आमने सामने लड़ाई हुए वो समाज सेवा नहीं कर सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं और रासुका जैसी धारा तो ऐसे लोगों ऊपर लगती है मेरे हिसाब से कि जो बहुत बड़े अपराधी हों, जिनके ऊपर 10-12 से अधिक मुकदमे बड़े भयंकर तरीके से लगे हों, उनके ऊपर रासुका की जैसी धाराएं लगाई जाती हैं। इस मामले में तो मुझे लगता है कि एक बार गिरफ्तार किया गया उनको, फिर उनकी कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ और जमानत मिली उनको दूसरे दिन। उसके बाद से वो अपने वहाँ घर में रह रहे थे, फिर उसके बाद सीधे सुनने में आया लगातार 15 या 16 धाराएं जितनी भी होती हैं और इतनी गंदी गंदी धाराएं लगाई गई कि प्रशासन से इस तरह की उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। कुछ भी हो, कैसा भी हो, इंसान पिछले कुछ दिनों से कमांडो अरुण गौतम जो थे क्षेत्र में समाज सेवा में लगे रहते थे, अपने स्तर पर जहां लोग बुलाते थे वहां वो पहुंचते थे और ये कोई नई बात नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा जो कायम हुआ है भाजपा सरकार में हर जगह, भैया आज हमारे यहाँ हुआ है तो हमको ये जानकारी हो रही है, आप जहाँ भी पता करेंगे लोगों के ऊपर जो समाज सेवा करना चाहते। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने कहा भाजपा सरकार, मतलब आप पूरी तरह इसमें दोषी सरकार को मानते हैं? बिल्कुल, सरकार और प्रशासन, प्रशासन तो पूरी तरह से, कांग्रेस की भी सरकार रहती थी, कांग्रेस की सरकार में आम पब्लिक की सुनवाई होती थी। नहीं तो जैसे कानून बनाना और कानून को स्थापित करना भी तो सरकार का ही अंग है, तो अगर सरकार किसी को दोषी मानते हुए कार्यवाही कर रही है तो वो तो जायज ही बात है। तो दोषी भैया, उसमें कोई सबूत होने चाहिए उसके कि उन्होंने क्या किया। सब अपने से आप ऑफिस में बैठ के धाराएं लगा दोगे अगले आदमी के ऊपर और उसको घर से उठा के भेज दोगे रासुका लगा के जेल। रासुका कोई ऐसी मामूली धारा होती है? नहीं, रासुका तो देशद्रोह है। देशद्रोह जैसी धारा आप लगा रहे हो, उसने क्या ऐसा देशद्रोह वाला? और जितने भी समाज सेवी, जितने भी नेता बैठे हुए हैं चुप, आज उसके ऊपर हुआ है, कल हमारे ऊपर होगी, कल उनके ऊपर होगी, सबके ऊपर ये लग सकता है। मैं आपको छोटी सी ये बिजली विभाग की मैं बात बताऊं, बिजली विभाग यहां त्योंथर का इतना तानाशाह हो चुका है कि ये 24 घंटे में 18-18 घंटे लाइट गोल रहती है। मैं इस समय कुछ दिनों से गांव में रहता हूं, गांव आता जाता हूं अपने, तो गांव में मैं रात मेरा अक्सर गांव में रहना होता है, 18-18 घंटे लाइट गोल रहती है। बताइए बीमारी की स्थिति में, खेत आज कितनी बीमारियां फैल रही हैं, खेती में लोगों को, किसानों को जरूरत है बिजली की, खेत सूखे जा रहे हैं, बरसात हो नहीं रही है, लेकिन ये इतना जबरदस्ती तानाशाही रवैया है इनका बिजली विभाग का कि फोन नहीं उठाते इनके अधिकारी। अभी मेरी एज से कल बात हुई, वो बोला कि मैं बताता हूँ, यही गगनेश सकोरिया जिनसे इनका कमांडो साहब का वो हुआ है, विवाद हुआ है, ये बताइए इतना तानाशाह जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाता है, बताइए। लेकिन जैसे कि आपको समस्याएं हैं, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं बनता कि आप बिजली विभाग के साथ मारपीट करें या कुछ ऐसी गतिविधियां करें जो कानूनी तौर पे गलत हैं। बिल्कुल हाँ, ये अगर जैसे मारपीट हुई थी उस दिन चिल्ला में तो उसके दोषी तो अरुण गौतम ही पाए गए हैं। हाँ हाँ, देखिए मारपीट हुई वहाँ पे, क्या हुई मैं तो वहाँ था नहीं, ना उसका कोई वीडियो है वहाँ का मारपीट का, ना कोई साक्ष्य है। देखिए अब उन्होंने अपने से बताया कि मारपीट हुई और वो कमरे के अंदर बंद किया गया, उनको बेंड के मारा गया, क्या कैसे हुआ। दूसरा पक्ष बता रहा है कि नहीं, ये मारपीट करने के बाद भाग के अपने आप को कमरे में बंद करके वहाँ से फोन लगाए, क्या किए, वहाँ मैं था नहीं, ना आप थे, ना कोई वहाँ का सबूत है या कोई वीडियो है वहाँ पर का। नहीं, जैसे मैं भी उस गांव में गया था, ऐसा हुआ है सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट तो गलत है, तो उसकी भी एक अपनी अलग धाराएं होती है भैया, उसमें NSA और छेड़छाड़ जैसी धाराएं जो लगाई गई है वो गलत है। जैसे मैं भी चिल्ला गाँव में गया था, वहाँ लोगों के द्वारा यह बताया गया कि यहाँ कोई बिजली विभाग के साथ मारपीट नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, बिजली विभाग की तानाशाही कह लें, तानाशाही चलते ऐसा सब कुछ हुआ। अच्छा, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा, फिर से मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा, बीजेपी वाले पे आपने कहा, तो आपको क्या लगता है किसके इशारे पे ये काम हुआ होगा?
बीजेपी नेता जो है यहाँ जिले के नेता जो है उनको वो खटक रहा था कि हमारी दुकान न कहीं बंद हो जाए। अगर इंसान जब जो समाज सेवा करने लगता है, जो समाज में पब्लिक को दिखने लगता है जो इंसान, तो लगता है कि अब ये कहीं न कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए। कोई इसमें अरुण गौतम का ही मामला नहीं है भैया, जो आज नेता यहाँ के चुप होके बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे, कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या है कि तुम लोग ये अपने आप को समझ रहे हो, जो तानाशाही फैलाए हो, 18-18 घंटे लाइट गोल कर रहे हो, कितने बीमारी फैल रही है गांव में, मच्छरों की क्या हालत है, मवेशियों को कितनी दिक्कत है, बिजली के कारण पूरे खेतों में पानी नहीं है, किसानों को दिक्कत हो रही है। मतलब लाइट से तो लोगों का एकदम जीवन जो है, जीवन यापन में लाइट का बहुत बड़ा योगदान है, बिजली का, और वो आप 24 घंटे में 18-18 घंटे गोल कर दे रहे हो। और इनकी 181 की शिकायत की मैं हाल बताऊं, मेरे गांव के लगभग 20-25 लोगों ने 181 पर बिजली के लिए शिकायत की है, लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं, इनका 181 भी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, कोई उसमें भी सुनने वाला नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, शुक्ला जी ने रीवा जिले के सभी पदाधिकारियों को, सत्ताधीशों को कहीं ना कहीं कटघरे में ला खड़ा किया है। बिजली विभाग की तानाशाही के बारे में भी हमें बताया। अभी आगे क्या होना है, कैसे होना है, यह तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अगर कमांडो का साथ नहीं दिया गया या उनके साथ लोग नहीं आए, तो कल को ये हर आदमी के साथ हो सकता है। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, द खबरदार न्यूज।